ओरल कैंसर इज नंबर वन कैंसर अमंग मेल पेशेंट्स इन इंडिया। द चीफ कॉज ऑफ ओरल कैंसर इज च्यूइंग टोबैको एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ टोबैको, वेदर इट इज बीड़ी, सिगरेट, खैनी, पान मसाला, गुटखा, एनीथिंग। ओरल कैंसर इज इजिली प्रिवेंटेबल एंड थ्रू लिटिल अवेयरनेस इट कैन इजिली बी प्रिवेंटेड। Oral cancer often requires combination of surgery followed by chemotherapy and radiation depending upon the biopsy report. Today I am going to present before you one of my patients who developed oral ulcer few months back. He was diagnosed to have a stage 2 cancer. I operated on him with a curative surgery. Now he has come for a post-op follow-up and he has an important message to share with others and to those who are fighting this cancer. Please watch this video, subscribe my channel and share it with your friends and colleagues who might benefit with or from this video. Thank you. Namaskar, aapka kya naam hai? Main Nishant Sheth. Acha, aap kahan ke rehne wale hain? Main Jharkhand ke rehne wale hain. क्या काम करते थे? ये काम करते हैं मिठाई दुकान में। मिठाई दुकान में, अच्छा अच्छा। आपको क्या तकलीफ हुआ था? सर्दी से रात का टाइम एक दिन सर के साथ। अच्छा। उसके बाद एक दिन आधी रात में जैसे जी मेरे मुंह से ब्लड आने लगा। अच्छा, ब्लड आने लगा। तो मैं उठ करके फिर कुल्ली किया, कुछ देर तक ब्लड बंद हो गया। अच्छा। बंद होने के बाद मैं सो गया। सोने के बाद मैंने अपने भाभी को बताया सुबह। अच्छा। भाभी ने देखी क्या हो गया मुझे। हाँ। निकल रहा था रात में और यहाँ से थोड़ा दाना की तरह हो गया। दाना का तरह हो गया, जख्म का तरह। मैंने ठीक है, दवा खा के देखो, हो सकता है दाना हुआ होगा, ठीक हो जाएगा। मैंने यहाँ वहाँ दवा खा के देखा, ठीक नहीं हुआ। तो उसे फिर आज कल आगे जो सोचा लगा तो बोला कि नहीं, बहुत अच्छा है, हो सकता है ये कैंसर है। कहिए हम हैं वहाँ इलाज। हाँ, मैं भी ऐसे हुआ था, मैं भी वहीं से गया, अच्छा हुआ वहीं से गया। ना होगा तो तुम भी वहाँ से जाओ और दिखा के आओ, हो सकता है कि अगर ये बीमारी होगा तो इंशाल्लाह वहाँ सफल हो जाएगा। तो मैंने फिर आपका पता लगाए, आपका पास आए। अच्छा, ऑपरेशन मोटा मोटी कितना दिन हो गया आपका? मोटा मोटी 1.5 महीना हुआ। अभी तो एकदम स्वस्थ है, एकदम स्वस्थ है सर। खाना वाना खा पा रहे हैं, सब कुछ निगल का पा रहे हैं जी, मोटा मोटी बात भी कर पा रहे हैं। हाँ। लैट्रिन पेशाब में कोई दिक्कत नहीं, मोटा मोटी जो भी काम पहले करते थे थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं जी। अभी तो सिर्फ आपका सिर्फ रेडिएशन बाकी है जी, मेरा खाली रेडिएशन बाकी है, अभी सब बढ़िया। अच्छा, तो आप तो एक कैंसर सर्वाइवर हैं, कैंसर से लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं जी। तो बाकी जो बीमारी से जूझ रहा है, जो लड़ रहा है, उनके बारे में आप उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज देना यही चाहता हूँ कि साइलेंट जो नशा करते हैं, गुटखा करते हैं, घर इस तरह का अगर हो जाए तो सबसे पहले इलाज कराइए। पान गुटखा तम्बाकू जो भी है कोई मत खाइए, और अगर हो जाए तो सबसे पहले इलाज कराइए, बीमारी को आगे नहीं बढ़ाइए। एकदम ठीक। और ये जो कर रहे हैं इससे आपको, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है इससे आपको कोई तकलीफ नहीं? जी नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं सर। मेरे जरिए से अगर कोई सुने और कोई देखे, अगर ये काम अगर पहले कर ले तो इतना बीमारी से जीना नहीं पड़ेगा। उसका फैमिली बच जाएगा, उसका घर बच जाएगा, उसका जीवन बच जाएगा। यही उम्मीद लेके हम लोग वीडियो को खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद।